दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी, भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं, मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। ये बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है,
जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात आज साफ हो गई है। यही हमें रखना था इस पे। संजय भाई पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीकचों के पीछे आप नहीं रख सकते, जेल के सीकचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है, तोता मैना, ईडी सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया। नहीं, अभी तो जो आज कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी को अब शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को तोते की तरह से इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का, ईडी को तोता मैना की तरह गिरफ्तार इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश से। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये बयान अपने आप में बताता है कि बीजेपी केजरीवाल जी के बाहर आने की खबर से ही कितना घबरा गई है। अब केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, बीजेपी को ये दिख गया है, बीजेपी बाहर आने की खबर से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है।
बीजेपी वालों को भी पता है कि इस तरह की कंडीशंस आगे कोर्ट में चैलेंज होंगी तो रुकेंगी नहीं, लेकिन आज बीजेपी जो ये कहने की कोशिश कर रही है, अपनी जो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी की स्थिति ये हो गई है। वो कंडीशन पहले बेल बेल चिल्ला रहे थे, कंडीशन कंडीशन चिल्ला रहे हैं, कुल मिला के केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और इनको ये घबराहट हो रही है बीजेपी को कि अब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो अब क्या होगा। अरे जब दो जजों का फैसला आया, एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है, तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। आगे थैंक यू।